इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है झांसी से। आपको बता दें कि झांसी के उन्नाव गेट बाहर स्थित बरसा कुशवाहा के मकान पर जनतकर पार्टी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ मजबूत करने एवं बाबू सिंह कुशवाहा के द्वारा चलाए जा रहे नारे पर अपनी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आइए हम बताते हैं कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहा। झांसी से अजय कुशवाहा, रोहित कुशवाहा, प्रेमवती कुशवाहा, भगत नारायण कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, झांसी जिला प्रभारी शवाना खान मौजूद रहीं। ऐसी ही खबरों को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। झांसी से संवाददाता शवा खान की एक खास रिपोर्ट। मैं शवा खान, जनता पार्टी की जिला प्रभारी हूँ और मैं सभी लोग जहाँ पर इकट्ठित हुए, मैं सभी की आभार हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया और जो बसा दीदी हैं जिनके घर में मीटिंग है उन्हें इस लाइक मुझे समझा, चूँकि मुझे उन्हें एक सम्मान दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगठन के बारे में ये समझाना चाहूँगी कि संगठन ऐसा होना चाहिए सब हर समाज को, जो कि हमारे जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का एक ही नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी का मतलब भी आपको, हमें और हम सबको समझना चाहिए। हिस्सेदारी का भी मतलब सभी को समझना चाहिए। ये कि है नहीं कि उनका नारा कुछ और है और हम और आप कुछ और समझ रहे हैं। संगठन का मतलब यही है कि सबको एक दूसरे का हाथ बांध के रखना चाहिए और मजबूती को बना के रखना चाहिए। जब भी हमारी हिस्सेदारी बराबर से सबको मिलेगी और जनता पार्टी का नारा भी बुलंदी से ऊंचाई पर जाएगा। खान जी, जैसा कि हमारे लोगों का जनतकार पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत जनतकार पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ा